हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो मैं आज एक और ट्रेड फाइनेंस का नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है प्री सेगमेंट फाइनेंस। तो प्री सेगमेंट फाइनेंस क्या होता है हम लोग समझेंगे, और प्री सेगमेंट फाइनेंस को हम जो है टेक्निकल ट्रेड भी बोलते हैं। तो दोनों नाम इसका ही, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज प्री सेगमेंट फाइनेंस और व्हाट इज पैकिंग क्रेडिट, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। बात करते हैं, प्री सेगमेंट फाइनेंस इज क्रेडिट ग्रांटेड टू द एक्सपोर्टर बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, FI मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मतलब प्री सेगमेंट फाइनेंस जो है एक फाइनेंस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है या बैंक देता है किसको, जो एक्सपोर्टर होता है वो। और कब देता है, जब गुड्स FOB पे नहीं आया, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब जब गुड्स शिपमेंट हो जाता है तब तक जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। हमेशा याद रखना कि जब गुड्स शिप में हो जाता है, शिपिंग लोडिंग हो जाता है, तो इसके पहले जो भी फाइनेंस होता है उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। तो जो प्री सेगमेंट फाइनेंस जो है एक्सपोर्टर को क्यों जरूर होता है, लाइक पैकिंग के लिए उसके पास पैसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, तो वो अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो है बैंक से पैसा लेते हैं। अब जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने अभी बताया रॉ मटेरियल के लिए, प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल, कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो बैंक से जो है लोन ले सकता है। वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास नहीं है, मुझे गुड्स एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए जो ले सकता है। फिर प्रोवाइड सिक्योर वेयरहाउस एंड वेयरहाउस टू गुड्स एंड रॉ मटेरियल, जो पैसा आएगा तो उससे वो सिक्योर गुड्स हाउस सिक्योर वेयरहाउस या गुड्स भी ले सकता है, उसके लिए भी जो उसको फाइनेंस मिलेगा। प्रोसेस एंड पैकिंग द गुड्स, पैकिंग के लिए भी जो इसमें कवर किया जाता है फंड। देन शिप द गुड्स टू द बायर, मतलब जब तक गुड्स शिप नहीं हो जाता तब तक सारा प्रोसेस जो है प्री सेगमेंट फाइनेंस होता है, और ये जो प्री सेगमेंट फाइनेंस के अंदर आता है, मतलब एक बार गुड्स शिप होकर चला गया तो वो प्री सेगमेंट फाइनेंस नहीं आता है। तो उसमें जो है गुड्स जब शिप होता है तो ये भी इसमें प्री सेगमेंट फाइनेंस में आ रहा है। फिर मीट द फाइनेंशियल कॉस्ट, जो प्री सेगमेंट के पहले जो भी जब गुड्स शिप नहीं हुआ उसके पहले जो भी खर्चा हो रहा है तो उसका जो भी कॉस्ट कवर होता है वो इस प्री सेगमेंट फाइनेंस में कवर हो जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जो फीचर्स देखेंगे तो फीचर्स में बेसिकली है इट कैन बी एडवांस इन रूपी इन फॉरेन करेंसी। ये जरूरी नहीं कि आपको डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी में जो आपको फाइनेंस चाहिए, किसी किसी को फॉरेन में करेंसी भी चाहिए, तो फॉरेन करेंसी में जो है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको क्रेडिट देती है। देन कवरिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर फॉर परचेज प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग द गुड्स, मैंने अभी बताया, मतलब रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और गुड्स प्रोसेस करने के लिए, तो जो है पैकिंग के लिए, ये जो है पूरा सब इसमें प्री सेगमेंट फाइनेंस में कवर हो जाता है। फिर लास्ट पॉइंट है अवेलेबल फॉर 180 डेज, ये जो अवेलेबल होता है 180 डेज के लिए, बट इसको हम एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 360 डेज के लिए, मतलब 360 दिन के लिए आप उसको बढ़ा सकते हो, बट उसका जो है पेनल इंटरेस्ट लेगा, उसका इंटरेस्ट चार्जेस एक्स्ट्रा लेगा, वो हर एक बैंक से वेरी टू वेरी होता है, हर बैंक से डिफरेंट टू डिफरेंट होता है, तो उसके लिए जो है जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थे प्री सेगमेंट फाइनेंस, पैकिंग क्रेडिट। आई होप आप सभी को जो है इसको समझा होगा, उसमें कुछ आपके लिए जो है वीडियो यूजफुल हुआ रहेगा। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा लोगों में शेयर करना। थैंक यू सो मच, आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।